स्वागत है हर जाने अनजाने दोस्त का, भाई और बहनों का। आज हम करेंगे ड्राइव हाइट। ड्राइव हाइट कैसे किया जाता है? हालांकि आपको पता है फोल्डर हाइट करके तो हम रखते हैं, लेकिन ड्राइव हाइट कैसे किया जाता है, ये प्रोसेस पुराना है लेकिन नया भी है कुछ हद तक। ठीक है दोस्तों, हम शुरू करते हैं फिर। देखिए, ड्राइव हाइट करने के लिए ना सिंपल सा प्रोसेस है, एकदम सिंपल प्रोसेस, उसमें कोई मतलब ऐसा ट्रिकी नहीं है। देखिए मैं करता हूँ, आप पीसी में देखिए, मेरे पीसी में देखिए, यहाँ पे सी डी ई और एफ, ये चार ड्राइव है। ठीक है, इसमें से मैं एक ड्राइव हाइट करूँगा, समझ लो मैं डी ड्राइव हाइट करूँगा। तो उसको करते कैसे हैं दोस्तों, कैमरा की क्वालिटी के लिए माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि मतलब कैमरा अच्छा नहीं है। ठीक है, तो हम जाएंगे स्टार्ट बटन पे, इधर हम टाइप करेंगे रन, आर यू एन। ठीक है, ये देखो ये रन आ गया, ये दिख रहा है आपको, ये आ गया रन। तो हम रन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे टाइप करेंगे एम एम सी। ऑलरेडी टाइप किया हुआ है, फिर भी दिखाता हूँ, एम एम सी। ठीक है, तो हम यहाँ पे ओके करेंगे। एक कैमरा फ्लिकर क्यों कर रहा है पता नहीं। हाँ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे यस करेंगे, यस बटन है दोस्तों। मैं आपको यहाँ पे बहुत वो हो गया है, देखो ये यस बटन है, इस पर यस करेंगे। उसके बाद यहाँ पे एक नया कंसोल खोल गया, हम फाइल पे जाएंगे, एड रिमूव है, इधर क्लिक करेंगे और इधर हमको देखना है ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, ये देखो, ये ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट ये है, ये देखो, ये है ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट। ठीक है, इधर हमको क्लिक करना है दो बार, फिर इधर फिनिश करना है और ओके कर देना है। उसके बाद जो पहले खोला था ना, उधर ये वाला आ जाएगा लोकल। ठीक है, इसको दो बार क्लिक करना है, उसके बाद आ जाएगा कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन और यूजर कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है दोस्तों, हम दोस्तों यहाँ पे क्लिक करना है, फिर यहाँ पे सॉफ्टवेयर विंडोज एंड एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट आ जाएगा। यूजर पे जब क्लिक करोगे ना आप, तो ये तीन ऑप्शन आ जाएगा, तो आपको जाना है एडमिनिस्ट्रेटिव पे। ठीक है, उसके बाद आ गया पांच या छह ऑप्शन आ गया, लेकिन हमें जाना है विंडोज कंपोनेंट्स पे। अब जाइए कंपोनेंट्स पे, उसके बाद इधर देखना है विंडोज एक्सप्लोरर। दोस्तों इधर आपको मतलब देखना होगा विंडोज एक्सप्लोरर कहाँ पे, देखो ये है विंडोज एक्सप्लोरर। ठीक है, इधर आपको क्लिक करना है, उसके बाद भाई इधर एक लाइन है हार्ड डिस्क स्पेसिफिक ड्राइव। दोस्तों वो लाइन आपको ढूंढना है, इधर देखना है कि वो लाइन किधर है। तो देखो ये लाइन इधर है, ये वाला देखा आपको, रुको जूम कर देता, देखा ये देखो, इसको क्लिक करो। इसको क्लिक करने के बाद एक नया खुलेगा, और उसके बाद देखो हार्ड डिस्क स्पेसिफिक ड्राइव्स इन माय कंप्यूटर। दोस्तों ये वाला, यहाँ पे तीन ऑप्शन है, मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखो यहाँ पे तीन ऑप्शन है, रुको छोटा कर देता हूँ। देखो नॉट कॉन्फिगर, एनेबल, डिजेबल। देखो अगर डिजेबल करोगे ना सब हाई ड्राइव हो जाएगा, अगर एनेबल करते हो तो आप एक ड्राइव मतलब एक कोई भी ड्राइव आप हाइट कर सकते हो। देखो हम करेंगे डी ड्राइव हाइट। ठीक है, हम डी पे क्लिक करेंगे, उसके बाद हम अप्लाई करेंगे और ओके कर देंगे। ठीक है, इसको काट देंगे, लेकिन दोस्तों कभी भी इसको यस मत कीजिए, जब भी इसको आप काटोगे ना, ये वाला विंडोज, रुको ये वाला विंडोज काटोगे ना तो कभी भी इसको यस मत करिए, इसको नो करिए। ठीक है, हो गया, रिफ्रेश करिए। अभी देखिए यहाँ पे डी ड्राइव नहीं होगा, देखा, सिंपल सा प्रोसेस है दोस्तों। अभी इसको लाना कैसे, देखो अभी रिस्टार्ट भी करोगे ना दोस्तों, फिर भी ये ड्राइव नहीं दिखाई देगा जब तक आप उसको शो नहीं करोगे। देखिए अभी अगर मेरे को दिखाना है वो डी ड्राइव कहाँ पे है, मतलब इधर अगर लाना है, तो हम जाएंगे फिर से वही प्रोसेस है, रन पे जाइए, एम एम सी करिए, टाइप करिए, ओके करिए, यस करिए। उसके बाद फाइल पे जाइए, एड पे जाइए, इधर देखिए ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट और एडिटर, फिर फिनिश कीजिए, ओके कीजिए। अभी लोकल कंप्यूटर पॉलिसी, ये देखिए कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन, यूजर कॉन्फ़िगरेशन, यूजर पे जाइए दोस्तों, यूजर पे ज़्यादा क्लिक हो गया, यूजर पे जाइए, यूजर पे देखिए, मैं फिर से दिखाता हूँ। यूजर पे जाने के बाद तीन ऑप्शन आएंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव पे जाना है, फिर विंडोज कंपोनेंट पे जाना है, फिर यहाँ पे विंडोज एक्सप्लोरर पे जाना है। ये देखो विंडोज एक्सप्लोरर, ये इधर जाना है और इधर लिखा हुआ मैं टाइप कर देता हूँ एच। ठीक है, कीबोर्ड पे एच दबा दिया, देखो आ गया हाइट स्पेसिफिक ड्राइव्स, इधर क्लिक कीजिए दोस्तों, नॉट कॉन्फिगर कर दीजिए,
या डिजेबल करोगे तो दोस्तों सब सब आएंगे। देखिए डिजेबल करोगे ना सब आएंगे, ठीक है। यहाँ पे नॉट कॉन्फ़िगर कर दीजिए, अप्लाई करिए, ओके करिए। लेकिन दोस्तों कभी भी इसको सेफ मत कीजिए, ठीक है। कभी भी इसको सेफ मत कीजिए, मतलब यस मत करिए, नो ही करिए, ठीक है। रिफ्रेश कर दीजिए, देखिए डिटर आ जाएगा। ये देखो सिंपल सा प्रोसेस है दोस्तों, आप भी करिए, मज़ा उठाइए। ड्राइव में कुछ भी खुशा है उसको हाइड कर दीजिए, किसी को क्या पता भाई उस ड्राइव में क्या है, ड्राइव भी नहीं दिखेगा। दोस्तों ये अगर अच्छा लगा तो लाइक और सब दबा देना, क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेशन हम लाते रहेंगे बीच बीच में, क्योंकि ये तो है ब्लॉग चैनल, ब्लॉग का सामान आया नहीं, जब आएगा तब हम ब्लॉगिंग करेंगे दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, अगर यहाँ से मदद मिली आपको इस इन्फॉर्मेशन से, आप सब पर लाइक दे दीजिएगा, लोड़े लगे पर है ज़िंदगी के मेरे।